अब तक पर्दे के पीछे से अपनी मां और भाई के लिए चुनावी प्रबंधन संभालती आ रही प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनावी संग्राम में खुद उतरी हैं। उपचुनाव और भाई से विरासत में मिली वायनाड लोकसभा सीट पर जाहिर है कि कांग्रेस का पूरा लाव लश्कर उन्हें जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज यानी बुधवार को प्रियंका के नामांकन में ये देखने को भी मिला कि जब नामांकन से पहले कांग्रेस ने रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन किया जिसमें पूरा गांधी परिवार एक साथ दिखा। नामांकन के मौके पर प्रियंका गांधी 35 सालों में पहली बार अपने लिए समर्थन मांगती हुई नजर आई। वहीं प्रियंका को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने वायनाड से नव्या हरिदास को टिकट दिया है। बीजेपी ने इससे पहले नव्या हरिदास को साल 2021 विधानसभा चुनाव में उतारा था। नव्या हरिदास ने कोझिकोड दक्षिण सीट से चुनाव लड़ा था और नतीजों के बाद तीसरी पायदान पर थी। जी बता दें, शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आई हैं प्रियंका गांधी। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं अभिनव हमारे साथ। अभिनव, देखिए राहुल गांधी का हमेशा सपोर्ट करती नजर आई हैं प्रियंका गांधी, और इस बार वो खुद समर्थन मांगती हुई दिखी अपने लिए, क्योंकि आज मौका था नामांकन भरने का। क्या कहेंगे आप? उनकी माँ सोनिया गांधी मौजूद है, प्रियंका गांधी मौजूद है, उनके पति जो रॉबर्ट वाड्रा है वो मौजूद थे, उनका बेटा मौजूद था, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर लीडर के सी वेणुगोपाल समेत तमाम जो बड़े नेता कांग्रेस के हैं सभी आज वायनाड में मौजूद है। नामांकन कक्ष में है पहुंच के प्रियंका गांधी ने अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया है, और प्रियंका गांधी अब वायनाड से लेकर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था, रायबरेली सीट और वायनाड सीट, दोनों सीटों पर जब राहुल गांधी विजयी हुए तो उनके समक्ष ये चुनौती थी कि कौन सी सीट वो छोड़े, तो उन्होंने वायनाड सीट छोड़ी। वायनाड सीट उनकी बहन प्रियंका गांधी अब चुनावी मैदान में उतर रही है। प्रियंका गांधी के राजनीतिक करियर का देखिए ये पहला चुनाव है, उनका चुनावी डेब्यू इसको कहा जा रहा है, और प्रियंका गांधी किस प्रकार से आगे की राजनीति में चमकती है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि प्रियंका गांधी अब तक कोई चुनाव खुद नहीं लड़ी। उन्होंने दूसरों के लिए बहुत प्रचार किया, बहुत वोट मांगे, लेकिन कभी अपने लिए प्रियंका गांधी ने अब तक वोट नहीं मांगे। तो ये पहला चुनाव है जब प्रियंका गांधी वायनाड में अपने लिए भी वोट मांगती दिखेंगी। और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के साथ साथ जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वो भी वहाँ पूरी तरीके से सक्रिय रहेंगे। राहुल गांधी का रायबरेली में जो चुनाव था उसको पूरी तरीके से प्रियंका गांधी ने कह सकते हैं लीड किया। प्रियंका गांधी लगातार नुक्कड़ सभाएं जनसभाएं करती हुई नजर आई थी वहाँ पे। देखिए 35 सालों में पहली बार समर्थन मांगती हुई नजर आई, जाहिर तौर पर जो उत्साह उनमें है वो आज तस्वीरों में लोगों ने साफ देखा है। अगर हम देखिए बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने वायनाड से नव्या हरिदास को उतारा है प्रत्याशी के रूप में। क्या लगता है कितनी टक्कर दे पाएंगी नव्या हरिदास को प्रियंका गांधी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी भी प्रियंका के खिलाफ वहाँ लामबंद होने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी बहुत ज्यादा कुछ खास असर वहाँ पे अपना नहीं कर पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता के रूप में प्रियंका गांधी देखी जाती है और पूरा कांग्रेसी कुलमा उनके लिए वायनाड में जन प्रचार करता हुआ नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी भी जरूर वहाँ से अपने प्रत्याशी के रूप में नव्या को उतारा है, लेकिन एक महिला प्रत्याशी वो भी है, अच्छा मैसेज देने की बीजेपी ने वहाँ कोशिश की है, लेकिन बीजेपी को वहाँ कुछ खास इतनी जल्दी हासिल होता नहीं दिखेगा, क्योंकि कांग्रेस की एक सीट मानी जा रही है। राहुल गांधी भी समझिए दो बार यहाँ से चुनाव लगातार जीते हैं, और प्रियंका गांधी उनकी बहन मैदान में पहला राजनीतिक चुनाव अपना लड़ रही है, तो निश्चित रूप से केरल की वायनाड सीट से 13 नवम्बर को जब मतदान होगा तो सभी की किस्मतें जो है वो ईवीएम में कैद जरूर हो जाएंगी, लेकिन माना यही जा रहा है कि प्रियंका गांधी की वहाँ पे लहर है, प्रियंका गांधी के साथ वायनाड की पूरी जनता है, तमाम कांग्रेस के देश भर के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के लिए एडी केडी का जोर लगाने को तैयार है वायनाड में, और वायनाड से कांग्रेस के जो नेता प्रियंका गांधी है उनको जिताने के लिए कांग्रेस की पूरी ताकत लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से नामांकन भरने का आज दिन था और कांग्रेस से पूरा परिवार प्रियंका गांधी के साथ में नजर आया है, लेकिन जो रोड शो हुआ है उसकी कुछ अलग ही बात थी, क्योंकि रोड शो के दौरान जो शक्ति प्रदर्शन किया गया उसमें काफी तादाद में लोग नजर आए हैं। इसके बारे में कुछ बताएं, कौन कौन लोग शामिल थे इसमें?
देखिए रोड तो कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी पहले भी तमाम जगहों की चीज तमाम जो जनसभा चुनावी रैली उन्होंने की, यूपी में कई रोड शो प्रियंका गांधी ने किए जगह जगह, और आज देखिए नवादा से पहले रोड शो और रैली वहां पे उन्होंने किया। कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर है वो भी इस रोड शो में देखिए शामिल है, और प्रियंका गांधी जिस प्रकार से रोड शो करती है, जनसभाएं करती है, लोगों का अभिवादन करती है, उस तरह से उनके साथ जो कह सकते हैं मतदाता है जनता है वो इंटरेक्ट होती है, और प्रियंका गांधी अपने आप में बड़े नेता के रूप में छवि देखी जाती है। तो निश्चित रूप से सभी चीजों का कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को चुनाव में जो लाभ है वो मिलता हुआ आसानी से दिखाई देगा। जी देवा जी बिल्कुल, देखिए वायनाड की सीट कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी के लिए अभी तक तो लकी मानी जा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि चुनाव के नतीजे क्या कुछ फैसला करते हैं। बहरहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए अभिनव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको बता दें वायनाड का रण राहुल सोनिया जिस सभी आज जिस तरह से सपोर्ट करते नजर आए हैं प्रियंका गांधी का और शक्ति प्रदर्शन किया गया है। बता दें बीजेपी ने इससे पहले नव्या हरिदास को वायनाड सीट के लिए चुन लिया है, वहीं प्रियंका को टक्कर देने के लिए जी हां बीजेपी ने वायनाड से नव्या हरिदास को टिकट दिया है। बीजेपी ने इससे पहले नव्या हरिदास को साल 2021 विधानसभा चुनाव में उतारा था। नव्या हरिदास ने कोझिकोड दक्षिण सीट से चुनाव लड़ा था और नतीजों के बाद तीसरे पायदान पर थी। अब देखना यह होगा कि एक तरफ प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस से हैं और दूसरी तरफ नव्या हरिदास जिनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है, कौन कमाल आखिर वायनाड सीट पर कर पाएगा। और खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।